हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेनबो क्लास 4 के लेसन 4 को। लेसन 4 का नाम है हेयर एंड देयर, यानी यहाँ और वहाँ। हेयर का मतलब होता है यहाँ, एंड का मतलब होता है और, देयर का मतलब होता है वहाँ, यानी यहाँ और वहाँ इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम लोग आज हिंदी अनुवाद सीखेंगे, हिंदी में पूरे लाइन बाय लाइन समझाएंगे आपको। तो देखिए, हेयर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु को हम लोग अपने नज़दीक दिखाना होता है, पास में दिखाना होता है, तो वहाँ पे हेयर का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु दूर होता है मेरे से, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरे लाइन बाय लाइन अच्छे से अर्थ को समझेंगे। जहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसको मीनिंग को भी बताएंगे मैं, और इसके पहले आपके बुक में दिया हुआ है ये मीनिंग, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, प्रॉपर का मतलब होता है सही या उचित, वरीड का मतलब होता है चिंतित। ये वरी आपका जो है फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है आपका ये, और ये आपका है सेकेंड फार्म या थर्ड फार्म के रूप में यूज होता है। ठीक है, प्रॉबरली का मतलब होता है संभवतः या शायद, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो इतना वर्ड मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, और मीनिंग वर्ड जो नहीं दिया है तो हम इसकी स्टोरी को बताएंगे हिंदी अनुवाद, तो उसमें जो आपको कठिन लगेगा उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बताया गया है जो स्टोरी के माध्यम से, एक नीता और माला नाम की फ्रेंड है, तो इन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप होती है। इसी के बीच में हम लोग इनकी माता जी आती हैं, उनसे भी कुछ वार्तालाप होता है, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं इसको। पहला, नीता इज़ अ केयरलेस गर्ल। नीता एक लापरवाह लड़की है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, यदि आपको नहीं पता है तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। अगला हम लोगों का लाइन है, सी डज़ नॉट कीप हर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। वह अपनी वस्तुओं को उनके उचित स्थानों पर नहीं रखती है। देखिए, सबका मीनिंग समझिए। सी मतलब वह, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का लगाया गया प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के हिसाब से। कीप मतलब होता है रखना, और ये वस्तुओं, थिंग मतलब होता है वस्तु या चीज, हर मतलब लगाया गया अपनी के लिए, एट देयर मतलब उनके उनके उचित स्थान पर, प्रॉपर मतलब होता है उचित स्थान, प्रॉपर होता है मतलब उचित, और प्लेसेज मतलब होता है स्थान। ठीक है, तो इनका मतलब हो जाएगा कि उनके उचित स्थान पर, यानी वस्तुओं को जो उचित स्थान होना चाहिए उनके स्थानों पर क्या करती है, नीता नहीं रखती है, मतलब फैला के थोड़ा सा बेच देती है। वो कहने का मतलब यहाँ पे ये है। आगे हम लोग देखते हैं, हर मदर इज़ वरीड अबाउट हर केयरलेसनेस। ठीक है, केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाह, वही। तो उसकी माँ, हर मदर मतलब उसकी माँ, इज़ वरीड चिंतित हैं अबाउट हर केयरलेसनेस, मतलब कि उसकी लापरवाही को लेकर के चिंतित हैं। अबाउट मतलब होता है के बारे में, और हर केयरलेसनेस मतलब उनकी लापरवाही से, मतलब कि लापरवाही को लेकर के माता उनकी चिंतित हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग में घर में यदि कोई बच्चा लापरवाह होता है तो हमारे माता पिता भी बहुत चिंतित होते हैं कि बच्चा मेरा कैसे सुधरेगा, कैसे क्या करेगा। तो वही बात इसमें भी है। ठीक है, कि नीता नाम की कोई लड़की है, लापरवाह लड़की है, वह अपने वस्तुओं को, कोई चीज़ को उनके उचित स्थानों पर नहीं रखती है। उनकी माता उसके लिए, मतलब कि उसके लिए बहुत चिंतित हैं, वो उनको लेकर बहुत चिंतित है। वन डे, एक दिन, नीताज फ्रेंड माला कम्स टू हर हाउस। ठीक है, हाउस तो एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, नीता की फ्रेंड माला आती है उसके घर, किसके घर, नीता के घर आती है एक दिन। तो इतना लाइन का हो गया अर्थ हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीता, हाउ आर यू माला, तुम कैसी हो माला। नीता पूछ रही है, हाउ आर यू माला, तुम कैसी हो माला। माला बोल रही है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फाइन मतलब होता है ठीक या अच्छा। उसके बाद थैंक यू, धन्यवाद। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या, मतलब इसका मतलब होता है कि व्हाट अबाउट यू मतलब तुम कैसी हो, कहने का मतलब है कि तुम्हारे बारे में क्या हालचाल है। तो मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि तुम कैसी हो। तो नीता भी बोल रही, आई एम आल्सो फाइन, यानी मैं भी ठीक हूँ। देखिए, आल्सो मतलब होता है भी, फाइन मतलब होता है अच्छा या ठीक। तो नीता आती है, पूछती है पहले उसका हालचाल, हाउ आर यू माला, तुम कैसी हो माला। तो माला बताती है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जब भी हमसे कोई हालचाल पूछता है तो हमें अपना हालचाल बतलाने के बाद उनको थैंक यू कहना होता है, ये भी हमें थैंक यू धन्यवाद बोली है। और उसके बाद वो भी पूछी है तुम्हारे बारे में, यानी कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसी हो। तो नीता भी बता रही है, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद हम लोगों का माला जो है बोल रही फिर यहाँ पे, आई केम हेयर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक विच आई हैड गिवेन टू यू लास्ट वीक। देखिए तो यहाँ पे जो है मैं आई, केम मतलब आया, सेकेंड फार्म है कम का, सेकेंड फार्म लगाया गया है, मैं आई हूँ यहाँ टू टेक मतलब लेने के लिए अपनी स्टोरी बुक वापस, बैक मतलब वापस, ठीक है। तो इतना लाइन का पहले अर्थ समझिए, आई केम हेयर टू टेक माई स्टोरी बुक बैक, मैं अपनी कहानी की किताब वापस लेने यहाँ आई हूँ। विच, विच मतलब होता है जो, देखिए विच मतलब होता है कौन सा कौन सी, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में जोड़ा गया है इसका मतलब होता है जो, विच मतलब जो, आई हैड गिवेन टू यू लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह मैंने तुमको दिया था, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, माला जो बोल रही है कि मैं यहाँ आई हूँ अपनी कहानी की बुक लेने के लिए, स्टोरी बुक मतलब कहानी की बुक, वापस बैक मतलब वापस, जो विच मतलब कि जो, जो किताब उसने दिया था वो मैं अपने लेने आई हूँ जो तुमको पिछले सप्ताह दिया था, बात समझ गए इतना। उसके बाद यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है आफ्टर सर्चिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह सभी जगह, सर्चिंग मतलब होता है खोजना या ढूंढना, ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद में, यानी हर जगह खोजने के बाद या हर जगह ढूंढने के बाद। नीता, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई हैव केप्ट इट, ठीक है, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ रखा इसे। यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर, रिमेंबर मतलब होता है याद और डोंट मतलब लगाया गया नॉट नेगेटिव के लिए, तो मुझे याद नहीं है कि, ये जो मतलब वेयर मतलब कहाँ नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इसे कहाँ रखा, मैंने इसे कहाँ रखा है, इट जो लगाया गया है बुक के लिए लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोबरली मतलब संभवतः या शायद, इट वाज हेयर ऑन द टेबल, शायद यह यहाँ टेबल पर था, जो उसके पास में कोई टेबल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, तो जो चीज़ पास नज़दीक होती है उसको हम लोग हेयर का प्रयोग करते हैं, जो चीज़ दूर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर समझिए इस बात को, प्रॉबरली मतलब होता है शायद संभवतः, इट वाज हेयर ऑन द टेबल, शायद यह यहाँ टेबल पर था, नो 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 आई थिंक इट वाज हेयर इन द कबर्ड, मुझे लगता नहीं नहीं मुझे लगता है, मुझे लगता है कि यह वहाँ अलमारी में था। तो देखिए इसको ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए, कहने का मतलब यहाँ पे है, जब नीता बोल रही है यहाँ पे कि मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे कहाँ रखा है, शायद इट वाज हेयर ऑन द टेबल, शायद यह यहाँ टेबल पर था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जैसे कोई हम लोग सामान जैसे याद से भूल जाता है, तो हम यही सोचते हैं ना कि शायद हमने यहाँ पे रखे थे, फिर कहे नहीं नहीं मुझे लगता है कि मैं वहाँ रखा हूँ, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात हो रहा है और इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, बस आपको इसके हिंदी अर्थ को अच्छे से समझना है। प्रॉबरली मतलब शायद, इट वाज हेयर ऑन द टेबल, शायद यह यहाँ टेबल पर था, वाज लगाया गया था, नहीं नहीं मुझे लगता है इट वाज देयर इन द कबर्ड, कबर्ड मतलब होता है अलमारी, देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग कबर्ड, ये आपका कप बोर्ड है लेकिन इसका उच्चारण होता है कबर्ड, कबर्ड मतलब अलमारी होता है, तो मुझे लगता है कि यह अलमारी में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माला, यू शुड, माला बोलती है यू शुड कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, तुम्हें चाहिए, शुड मतलब होता है चाहिए, तुम्हें वस्तुओं को उनके उचित स्थानों पर रखना चाहिए। माला बोल रही है यू मतलब तुमको यानी तुम्हें, शुड मतलब चाहिए, कीप मतलब रखना, थिंग मतलब वस्तुएं या चीज़ें हो गया, देयर मतलब उनके, मतलब जो वस्तुएं हैं उनके जो उचित स्थान होना चाहिए उनके स्थान पर रखना चाहिए, कहने का मतलब ये, प्रॉपर मतलब उचित और प्लेसेस मतलब स्थान, तो तुमको चाहिए कि सभी वस्तुओं को मतलब कि वस्तुओं को उनके उचित स्थानों पर रखना चाहिए। शुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा मदद करूं, यहाँ पे लगाया गया शुड आई हेल्प यू, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या मैं तुम्हारा मदद करूं, तो नीता एस हाँ प्लीज़, हाँ कृपया, एस मतलब हाँ, प्लीज़ मतलब कृपया, हाँ कृपया मदद करो, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। उसके बाद आगे देखते हैं, माला एंड नीता बिगेन टू कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, माला और नीता बिगेन टू कीप मतलब रखना, कीप मतलब रखना, शुरू करती हैं
वस्तुओं को उनके उचित स्थानों पर, ठीक है। माला जब उसमें बोली कि मैं भी यहाँ बोली ना कि मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो नीता बोली हाँ यस प्लीज़ कृपया करो मदद। तब माला और नीता बिगेन मतलब शुरू करती हैं, ठीक है, और टू कीप मतलब रखना, ठीक है, द थिंग्स मतलब वस्तुओं को एट देयर प्रॉपर प्लेसेस उनके उचित स्थानों पर रखना शुरू करती है। वाइल दे आर अरेंजिंग द थिंग्स माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक इन द कबर्ड। तो जब वाइल मतलब जबकि या जब, ठीक है, जब वे अरेंजिंग मतलब व्यवस्थित कर रही थी सामानों को, जब वे अरेंजिंग कर रही थी वस्तुओं को, माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक, माला अपनी कहानी की बुक पा जाती है। माला फाइंड मतलब होता है पाना, ठीक है, फाइंड में से लगाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। माला फाइंड्स हर स्टोरी बुक, माला अपनी कहानी की बुक पा जाती है इन द कबर्ड अलमारी में। माला जब सामान व्यवस्थित कर रहे थे, अरेंजित कर रहे थे सामान को, व्यवस्थित कर रहे थी, तो माला क्या करती है अपनी बुक जो है उसकी मिल जाती है बुक, ठीक है, तो माला उसको फाइंड कर लेती मतलब पा लेती है अपना बुक को। उसके बाद मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच या इसी बीच के दौरान, जब कोई काम होता रहता है उसी बीच में कोई आ जाता है एंट्री कर जाता है, तो इसलिए वर्ड होता है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच के दौरान, इसी बीच में। नीताज मदर इंटर्स द रूम, नीता की माँ रूम में प्रवेश करती हैं। इंटर मतलब प्रवेश करना, इंटर में ऐसे लगाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। तो नीता की माँ रूम में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसी बीच, जब दो लोग सामान सरिया रहे थे अपना, तो उसमें बीच में माता जी उसकी प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे माता जी आ गई हैं, तो आइए देखते हैं। नीता बोली माँ सी माई रूम, सी मतलब देखो मेरे कमरा को, मेरे रूम को। मदर ओ गॉड, बहुत अच्छा, मतलब कि अच्छा लगा उसको, मतलब इससे शब्द आता है ओ गॉड, वाव, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेयर इज़ योर ब्लू बैग, मतलब कि तुम्हारा ब्लू बैग कहाँ है, नीला बैग कहाँ है। तो नीता बोले इट इज़ हेयर ऑन द टेबल, इट इज़ हेयर ऑन द टेबल, यह यहाँ टेबल पर है, यह यहाँ मेज पर है, ठीक है। तो हेयर लगाया गया है नज़दीक वस्तुओं के लिए, यानी कि टेबल उसके पास नज़दीक है, यहाँ पर लगाया गया है टेबल के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बोलती है मदर वेयर इज़ योर ब्लू फ्रॉक, तुम्हारा ब्लू फ्रॉक कहाँ है, तुम्हारा नीला फ्रॉक कहाँ है। नीता बोल रही है इट इज़ देयर इन द कबर्ड, इट इज़ देयर इन द कबर्ड, यह वहाँ अलमारी में है। कबर्ड मतलब होता है अलमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं कबर्ड, ठीक है, कबर्ड। तो देयर मतलब वहाँ, मतलब उससे दूरी पे कुछ है अलमारी, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है। आगे बोलती है माता वेयर आर यू ब्लैक शूज, तुम्हारा जूता कहाँ है, तुम्हारा जूता कहाँ है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे बोल रही है यहाँ पे नीता दे आर हेयर ऑन द शू रैक, वे यहाँ शू रैक में है, मतलब कि जूते को बोला है वे यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, शू रैक, शू रैक मतलब जहाँ पे जूता रखा जाता है उसको शू रैक बोला जाता है, ठीक है, फिगर में दिखाया गया है, ये है ना, ये शू रैक बोलते हैं इसको जहाँ पे जूता रखते हैं उसको शू रैक बोला जाता है, जूता रखने का स्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे होता है क्या, मदर बोलती है वेरी गुड, बहुत अच्छा नीता, वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा नीता, यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स हेयर ऑन द टेबल एंड बिग थिंग्स देयर इन द कबर्ड, मतलब कि नीता मतलब माता जी उसके बोल रही है वेरी गुड नीता, तुम्हें चाहिए, शुड मतलब चाहिए, तुम्हें छोटी चीज़ों को यहाँ टेबल पर रखना चाहिए, यानी थिंग्स मतलब वस्तुएँ या चीज़ें, तुम्हें छोटी वस्तुओं को टेबल पर यहाँ रखना चाहिए एंड बिग थिंग्स यानी बड़ी वस्तुओं को देयर इन द कबर्ड, यानी कि वहाँ अलमारी में रखना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे माता जी बोल रही हैं कि नीता वेरी गुड बहुत अच्छा, तुम्हें छोटी चीज़ों को यहाँ टेबल के ऊपर रखना चाहिए, टेबल पर ऑन द टेबल यानी नज़दीक में टेबल, यहाँ पे हेयर का प्रयोग किया गया है, एंड बिग यानी बड़ी वस्तुएँ बड़ी सामानों को देयर इन द कबर्ड यानी कि वहाँ अलमारी में रखना चाहिए। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है कि यदि हम लोग कोई भी लापरवाही से काम करते हैं, सामान अपना इधर उधर फेंक देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उसको अच्छे से उनके उचित स्थानों पर रखा जाता है तो अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।